आखिरकार इजराइल ने अपने आयरन डोम से भी घातक हथियार को युद्ध के मैदान में उतार ही दिया, जिसको देखने के बाद तुर्की और ईरान जैसे देश भी कांप उठते हैं, क्योंकि इजराइल का ये वो हथियार है जिसे रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे देश भी विल्ड नहीं कर पाए हैं। दरअसल आप लोगों ने भारत के स्वदेशी हथियार काली का नाम तो सुना ही होगा, जिसे सूर्य मिसाइल की तरह भारत का सबसे सीक्रेट हथियार माना जाता है। अब इजराइल ने उससे भी घातक हथियार को हमास, सीरिया, लेबनान के सामने उतार दिया है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर क्यों खाड़ी के मुस्लिम देश इस हथियार को देखकर डर गए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दरअसल पिछले 10 दिन से चल रहे इजराइल और हमास के युद्ध ने अब और भी भयंकर मोड़ ले लिया है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल पहले से ही हमास से युद्ध लड़ रहा है और गाजा पर भयानक एयर स्ट्राइक कर रहा है, और इजराइल की इन भयंकर एयर स्ट्राइकों ने पूरे गाजा को खंडरों में तब्दील कर दिया है और गाजा में छुपे हमास के आतंकवादियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और अब इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने एक बड़ा धमाका कर दिया। अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें ये बिल्कुल साफ है कि हमास से चल रहे युद्ध के बीच ही अपने आयरन बीम जैसे घातक लेजर हथियार को उतारने जा रहा है, और इस भयानक हथियार को इजराइल टाइम से पहले ही उतार रहा है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स इस हथियार को 2025 में डिप्लॉय करती, क्योंकि इजराइल ने अपने आयरन डोम से भी खतरनाक आयरन बीम जैसे घातक हथियार का सफल परीक्षण पिछले साल 14 अप्रैल को किया था, जो एक लेजर डिफेंस सिस्टम है जिसे टाइम से पहले ही इजराइल युद्ध के मैदान में उतार रहा है, जो 300 किलोवाट पावर की लेजर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, और ये दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर डिफेंस सिस्टम है, जो 10 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, शॉर्ट रेंज के रॉकेट और ग्लाइडिंग बम को तबाह करने में सक्षम है। अब आपको बता दें कि आखिर अचानक से इजराइल अपने इस घातक लेजर डिफेंस सिस्टम को क्यों उतार रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये कम पैसा खर्च करने के बाद एक भयानक तबाही मचा सकता है जिसकी एक्यूरेसी आयरन डोम से भी खतरनाक है, क्योंकि इस समय इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसलिए इन हमलों को रोकने के लिए इजराइल ने अपने आयरन बीम को उतारने की तैयारी कर दी है, क्योंकि एक आयरन डोम मिसाइल को फायर करने में इजराइल तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर खर्च कर देता है। वहीं आयरन डोम सिर्फ 2000 के खर्च में ही किसी भी शॉर्ट रेंज के रॉकेट से लेकर ड्रोन तक को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है और इजराइल को युद्ध के मैदान में एक बड़ी सफलता दिला सकता है, इसलिए इजराइल टाइम से पहले ही अपने इस घातक हथियार को युद्ध के मैदान में उतार रहा है। अब देखना होगा कि इजराइल का ये हथियार किस हद तक ईरान, तुर्की, हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकवादियों के ड्रोनों को तबाह करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।